नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत अफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। बुलंदशहर जनपद की नोडल अधिकारी रितु माहेश्वरी ने बुलंदशहर नगर पालिका क्षेत्र में बनाई गई मोहल्ला निगरानी समिति सदस्यों द्वारा कोरोना संक्रमित की रोकथाम हेतु किए जा रहे कार्यों का सत्यापन करने के उद्देश्य से ऊपरकोट स्थित जियाउल इस्लाम पब्लिक स्कूल में मोहल्ला निगरानी समिति के सदस्यों के साथ संवाद कर उनके द्वारा कोविड संक्रमण की रोकथाम एवं संक्रमित मरीजों को उपचार दिलाए जाने एवं टेस्टिंग तथा सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग आदि के विषय में जानकारी हासिल की। ऊपरकोट पर बनाई गई तीन मोहल्ला निगरानी समिति के समस्त सदस्यों के साथ सीधे संवाद करते हुए उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों तथा घर घर टीम भेजकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाने, संक्रमित एवं लक्षण युक्त व्यक्तियों को मेडिकल किट उपलब्ध कराने के विषय में जानकारी हासिल की। उन्होंने ANM से स्वास्थ्य संबंधी मेडिकल किटों का वितरण तथा टेस्टिंग के विषय में जानकारी हासिल करते हुए निर्देशित किया कि जिन घरों में सर्वे कार्य को किए हुए 15 दिवस से अधिक का समय व्यतीत तो हो गया है, वहां पर पुनः रोस्टर बनाकर सर्वे कराया जाए। तीनों निगरानी समिति के सदस्यों व सभासदों द्वारा बताया गया कि उनके क्षेत्र में मेडिकल किट उपलब्ध होने अथवा टेस्टिंग आदि के संबंध में कोई समस्या नहीं है। यह भी बताया गया कि उनके क्षेत्र में संक्रमितों की संख्या लगातार कम हो रही है। बुलंदशहर से राशिद खान की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें और भारत अफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।